नमस्कार दोस्तों। राजनीति के अंदर एक बात कही जाती है, वैसे तो राजनीति नहीं हर क्षेत्र में कही जा सकती है, कि कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं हुआ करता। आज आपसे जिसके मन मिल रहे हैं, हो सकता है उन रिश्तों में कल खटास आ जाए, और आज इन रिश्तों में कहीं खटास भर गई हो सकता है कल वो रिश्ते मधुर हो जाएं। ये बात राजनीति में खासकर चलती है, और राजनीति के अंदर जब चुनाव आते हैं तो उस समय पर खासकर रिश्ते बनते और बिगड़ते जरूर हैं। जब चुनाव आया करता है तो चुनाव के दौरान में मनाना, रूठना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के नज़दीक आना, किसी को किसी से दूर करना, ये सब कुछ चला करता है और ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। राजनीति के अंदर अगर आप माने तो फिर जब क्षेत्र की बात आती है तो अगर कोई स्थापित नेता है तो उनका न केवल अपने क्षेत्र बल्कि आसपास के एरियाज में भी असर हुआ करता है, और उस सब को देखते हुए, उस सब को लेकर के राजनीतिक लोगों के रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। दरअसल मैं आपसे आज जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पलवल यानी कि ब्रज क्षेत्र, पलवल यानी कि दक्षिण हरियाणा का एक जिला, और पलवल यानी कि हरियाणा का एक छोर वाला जिला, इस जिले के तीन बड़े कद्दावर नेताओं के आजकल आपस में घी शक्कर होने की बात चल रही है। वो तीन नेता, हालांकि तीनों नेता, दो नेता तो उनमें से कांग्रेस में हैं और एक नेता का भी तय नहीं है कि वो कांग्रेस में गए हैं या नहीं गए, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जरूर थे। ये तीनों नेता, जिनमें से दो तो आपस में रिश्तेदारी की डोर से भी बंधे हुए हैं, और तीसरे नेता कि जिनका सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत है कि वो अपना बेहद असर रखते हैं पलवल जिले के तमाम क्षेत्रों के अंदर। ये तीनों नेता जब अलग अलग हुए तो तीनों को चुनाव के अंदर कहीं हार का मुंह भी देखना पड़ा, और लेकिन जब कभी इकट्ठे डोर की तरह बन जाएं तो फिर उसके बाद में चुनावी सफलताएं भी मिलती हैं। अधिक पहेली ना बुझाते हुए मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं पलवल के उन तीन नेताओं के नाम बताते हुए कि आखिर उनमें इस टाइम घी शक्कर होने की बात कैसे और कहां चल रही है। ये तीनों नेता हैं हरियाणा प्रदेश के पूर्व कैबिनेट वजीर करण सिंह दलाल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान, और हरियाणा प्रदेश के पूर्व वजीर और हथीन के पूर्व विधायक चौधरी हर्ष कुमार। ये तीनों नेता, जिसका मैंने आपको बता दिया कि रिश्तेदारी की डोर से तो बंधे हुए हैं, करण सिंह दलाल और हर्ष कुमार जी, इनके परिवार का रोटी बेटी का रिश्ता है, और तीसरा जो मैंने आपको चौधरी उदयभान का नाम दिया तो उनका सामाजिक रिश्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र न केवल होडल बल्कि पलवल जिले में इतना गहरा और गंभीर है कि वो अपना पूरा असर रखते हैं। मैंने आपको बताया कि तीनों नेताओं के रिश्ते में अगर कहीं कभी खटास थी तो आपको वहां भी ले चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं हर्ष कुमार और करण सिंह दलाल की। 1996 के अंदर जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा की सरकार बनी, चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार हुई, तो उस चुनाव के अंदर हथीन से कैंडिडेट हुए थे हर्ष कुमार। हर्ष कुमार को टिकट मिला था हरियाणा विकास पार्टी का, और उस चुनाव के अंदर करण सिंह दलाल चौधरी बंसीलाल की पार्टी के हरियाणा विकास पार्टी के कर्ता धर्ता एक तरह से माने जाते थे। हालांकि उनका रिश्ता तो पुराना था, लेकिन उस चुनाव के अंदर उनका जो कोई खटास चल रही थी वो दूर हुई और उन्होंने एक दूसरे की मदद की। हर्ष कुमार चुनाव जीते और करण सिंह दलाल भी चुनाव जीते, हालांकि करण सिंह दलाल का वो दूसरा चुनाव था। करण सिंह दलाल 1991 में भी चुनाव जीत चुके थे हरियाणा विकास पार्टी से ही, और हर्ष कुमार की ये पहली राजनीतिक जीत हुई थी, चुनावी जीत। चौधरी हर्ष कुमार उससे पहले चुनाव लड़ते रहे, उनके पिताजी चौधरी राजेंद्र भी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उनको जो पहली जीत मिली वो 1996 में मिली। उसके बाद में कुछ ऐसा चला कि रिश्तों में खटास फिर बढ़ी और दोनों के रास्ते अलग रहे। इवन जो पारिवारिक रिश्ता था, जो रिश्तेदारी का मामला था, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही खटास आती रही, और समय गुजरता रहा। इधर हर्ष कुमार जी हरियाणा विकास पार्टी में ही रहे, 2000 का चुनाव उन्होंने विकास पार्टी से ही लड़ा, और इधर करण सिंह दलाल आ गए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में, RPI से चुनाव लड़ा। 2005 का चुनाव ऐसा चुनाव आया कि जिसके अंदर हर्ष कुमार एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ मुड़ गए, और इधर करण सिंह दलाल भी कांग्रेस में आ गए, लेकिन पार्टियां भले ही एक हो गई लेकिन उनके रिश्ते में सौहार्दता नहीं आई। चुनाव करण सिंह दलाल फिर जीत गए, और दूसरी तरफ वहां गए तो चुनाव उधर हर्ष कुमार भी जीत गए, विधायक बन गए कांग्रेस से। 2009 का चुनाव आया,
2009 के चुनाव के अंदर हर्ष कुमार भी चुनाव हार गए और 2009 के चुनाव में करण सिंह दलाल भी चुनाव हार गए। बाद में अगर चले तो करण सिंह दलाल एक बार फिर 2014 में जीत गए, लेकिन हर्ष कुमार जी को 2005 के बाद कोई चुनावी जीत नहीं मिली। इस चुनाव के अंदर यानी कि जो 2024 का चुनाव है, इसमें दोनों नेता अपना अस्तित्व वापस लाने के लिए अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आगे चलते हैं तो फिर बात चौधरी उदय भान की कर लें। चौधरी उदय भान का करण सिंह दलाल और हर्ष कुमार दोनों क्षेत्रों के अंदर असर है और दोनों नेताओं का होडल में भी असर है। करण सिंह दलाल का होडल विधानसभा में असर है। आप यूं समझ सकते हैं कि होडल विधानसभा में ऐसे कई बड़े गांव हैं जो पहले पलवल विधानसभा में हुआ करते थे। इसके अलावा जाट बाहुल्य भी कई गांव हैं। और अगर आप बात कर लें चौधरी हर्ष कुमार की, तो चौधरी हर्ष कुमार होडल चौबीसी के बड़े नेता हैं, उनका पूरा असर है होडल चौबीसी के अंदर। और अगर अभी लोकसभा चुनाव की बात करें, अब जो रिश्तों की खटास की बात करते हैं, तो रिश्तों की खटास की बात आप कुछ थोड़ा सा यहां समझ लें कि इस चुनाव में यानी कि जो लोकसभा का चुनाव हाल ही में हुआ 2024 का, तो करण सिंह दलाल लोकसभा चुनाव की टिकट चाहते थे और उनको वो लोकसभा की टिकट नहीं मिली। टिकट मिली महेंद्र प्रताप सिंह को। महेंद्र प्रताप को टिकट मिला तो करण सिंह दलाल के मन में जो नाराजगी के सुर आए, वो नाराजगी के सुर चौधरी उदय भान के लिए भी थे और अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी थे, क्योंकि हुड्डा साहब उनके रिश्तेदार में पड़ते हैं और दूसरी तरफ चौधरी उदय भान वो लोकल हैं, और कहीं करण सिंह दलाल को लगा कि उनकी वो मदद नहीं हुई, इसलिए इनके रिश्तों में खटास चल रही थी। ये खटास इधर दूसरी तरफ हर्ष कुमार जी के साथ और चौधरी उदय भान के साथ भी थोड़ी सी थी। हालांकि दोनों नेता भले ही ना कहें, लेकिन क्योंकि इस चुनाव के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में हर्ष कुमार ने चुनाव से ठीक पहले जननायक जनता पार्टी छोड़ी और उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट महेंद्र प्रताप सिंह का समर्थन किया, चौधरी महेंद्र प्रताप को सपोर्ट किया हर्ष कुमार ने। हथीन विधानसभा उनका प्रॉपर पड़ता है, तो हथीन से भी जीत करके गए महेंद्र प्रताप जी 51-52 हज़ार वोटों से। और दूसरा जो आता है एरिया, वो आता है उनके एरिया, उनके प्रभाव क्षेत्र में होडल, तो होडल में भी महेंद्र प्रताप जी जीते। लेकिन जो उनके खटास की बात आती थी, तो करण सिंह दलाल और हर्ष कुमार की खटास तो थोड़ी सी आप यहां देख सकते हैं कि क्योंकि करण सिंह दलाल बड़े अग्रेसिव थे पूरे चुनाव के दौरान, उनको लगता था, हालांकि उन्होंने कैंडिडेट की मदद भी की, सपोर्ट भी की। और मैं तो समझता हूं कि जो पलवल विधानसभा में जो मार्जिन ऑफ गैप घटा, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, खासकर करण सिंह दलाल और सभी नेताओं की मेहनत का ही परिणाम था। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, इससे अगले तरफ आप कदम बढ़ाते हैं, तो फिर हर्ष कुमार जी और करण सिंह दलाल के बीच में जो मैं आपको खटास की बात कर रहा था कि क्योंकि जो हर्ष कुमार जी ने सपोर्ट किया महेंद्र प्रताप जी को, उसके लिए उनकी शायद ना तो करण सिंह दलाल और ना हर्ष चौधरी उदय भान इनसे किसी से भी कोई बात रही होगी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और क्योंकि उदय भान जी का होडल में और हर्ष कुमार जी का भी होडल में पूरा प्रभाव है, इस सबको देखते हुए इनके जो रिश्तों की खटास थी वो कहीं ना कहीं अंदर, भले ही वो सामने दिखाई ना देती हो, भले ही वो ओपन ना होती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिलों में कहीं जरूर रहा होगा। अब राजनीतिक हवाएं कुछ ऐसा बता रही हैं कि ये तीनों जो धुरंधर नेता हैं, करण सिंह दलाल, चौधरी उदय भान और चौधरी हर्ष कुमार, इन तीनों के बीच में कोई समझौता हो चुका है। राजनीतिक हवाएं बता रही हैं कि इन तीनों के बीच में समझौता हो चुका है और एक दूसरे की अब ये लोग पैरवी भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो पैरवी ये करते हैं, तो फिर जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो हथीन विधानसभा क्षेत्र में आएगी, क्योंकि हथीन विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद इसराइल तैयारी कर रहे हैं। और अगर इधर हर्ष कुमार आगे बढ़ते हैं, चौधरी हर्ष कुमार के वजन बढ़ता है, उनकी सपोर्ट में अगर कहीं करण सिंह दलाल का तो कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई आंकड़ा है मोहम्मद इसराइल के साथ में। और अगर इधर उदय भान भी कहीं समर्थन करने लगते हैं, तो फिर वो समस्या खड़ी होगी मोहम्मद इसराइल के लिए, और इस स्थिति में हर्ष कुमार का पड़ा भारी हो सकता है। और अगर ये तीनों नेता जो मैंने आपको बताया धुरंधर नेता, ये तीनों नेता अपने अपने क्षेत्र में गंभीर असर रखते हैं, अगर ये तीनों नेता इकट्ठे हो जाते हैं, हर्ष कुमार, उदय भान जी और करण सिंह दलाल, तो ये तीनों नेता इकट्ठे होकर के पलवल जिले के अंदर जरूर एक बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि जो पलवल जिला पिछली बार महरूम रह गया था कांग्रेस के लिए पूरी तरह, यहाँ पर लहलहा के कमल खिला था, तो फिर ये समस्या बन सकती है अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं।
हालांकि राजनीति के अंदर मैंने आपसे पहले कहा कि कई बातें सिर्फ हवाएं होती हैं और कई उनमें गंभीरता होती है। कितनी ये बात गंभीर है, अगर ये जोड़ी बन रही है, ये तिगड्डी इकट्ठी अगर हो रही है, तो ये कितना इसके अंदर असरकार रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पलवल जिले की राजनीति, जो ब्रज क्षेत्र पलवल है, उसकी राजनीति में अगले दिनों में क्या और कोई बड़े बदलाव होंगे? क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें पिछले चुनाव में जीत गई थी, क्या इस चुनाव में बीजेपी का वो प्रदर्शन हो पाएगा, और या फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती दिखेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।